ऐसा है, जैसा कि उन्होंने बताया, आज दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, एक कॉटन को लेके है और एक जूट को लेके है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि कॉटन जो है वो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप इंडिया में कहा जाता है, वो कॉटन है। नियरली 60 लाख फार्मर्स जो हैं वो कॉटन उगाते हैं, और उसके अलावा हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बेसिकली कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है। अनलाइक जो बात होती है कि भाई बाहर में करीब 2/3 जो है 70% मैनमेड फाइबर बेस्ड होता है, ओनली अबाउट 30% नेचुरल फाइबर बेस्ड होता है। इंडिया में अदर वे अराउंड है, इंडिया में ऑलमोस्ट 70% जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो नेचुरल फाइबर बेस्ड है, ओनली अबाउट 30% मैनमेड फाइबर है। जब नेचुरल फाइबर की बात हम करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर है वो कॉटन ही है। बाकी वैसे नेचुरल फाइबर में जो आते हैं वो आता है जूट, उसमें आता है सिल्क और ऊल, बट प्राइमरली जो है वो कॉटन सबसे बड़ा है। तो करीब 60 लाख लोग तो डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं, और जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 4-5 करोड़ लोगों की भी कहीं ना कहीं कॉटन से जुड़े हुए हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है वर्ल्ड में। 25% जो वर्ल्ड का टोटल कॉटन प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में होता है। करीब 130-133 लाख हेक्टेयर जमीन में कॉटन की खेती होती है। कॉटन प्राइमरली जो है वो 11 स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाए जाते हैं। नॉर्थ में पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में कॉटन होता है। सेंट्रल जोन कहें तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होता है। उसके अलावा साउदर्न में केरला छोड़ के बाकी जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे कॉटन की खेती होती है। इसके अलावा उड़ीसा में भी कॉटन की खेती होती है। तो ये 11 मेनली इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं। अब वैसे तो कॉटन जहाँ तक उगाने का है और उसके स्कीम्स की बात है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, लेकिन जो हमारा MSP जैसे फूड ग्रेन्स के लिए, राइस, व्हीट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिम्मेदार होता है, वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से शुरू होती है जब क्रॉप मार्केट में आना शुरू होता है। अब आपको पता ही है कि हर साल MSP कॉटन के लिए भी डिक्लेयर किया जाता है, अलग अलग वैरायटी के लिए। जैसे इंडिया में जनरली वो मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल होते हैं, उसके लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नाफेड को, जनरली दो संस्थाओं को कहा गया है कि आप जैसे FCI करता है फूड ग्रेन्स के लिए, तो वैसे ही बेसिकली कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारे मंत्रालय में है और नाफेड, इन दो एजेंसी जो होते हैं वो कॉटन प्रोक्योरमेंट के लिए डिटेल किए जाते हैं। लेकिन नाफेड जो है 6-7 सालों से कोई प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहा है, तो केवल एक ही प्रोक्योरिंग एजेंसी है, वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, वो महाराष्ट्र में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक महाराष्ट्र के भी एक मार्केटिंग ग्रोअर फेडरेशन है, उनको एक सब एजेंट के लिए लेता है केवल महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है। बट अदरवाइज जो है वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। करीब 143 डिस्ट्रिक्ट 143 डिस्ट्रिक्ट्स में अपने वो सेंटर करते हैं। जैसे इस साल के लिए उन्होंने 474 सेंटर्स बना रखे हैं, इन सेंटर्स पे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। अब ऐसा है कि जो प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी वैरी करता है। किसी किसी साल प्रोक्योरमेंट बहुत कम होता है, जिस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर अगर मार्केट में चीज़ें हो रही हैं तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे फिलहाल जो अभी वर्ष साल शुरू हुआ है, कॉटन ईयर जो है वो शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेके अगले 30 सितंबर तक का। तो अभी जो कॉटन ईयर जिसको कह सकते हैं 21-22 जो शुरू हुआ है कॉटन ईयर, इसमें अभी ऑलरेडी जो मार्केट प्राइसेज हैं वो जो मार्केट प्राइसेज आर मच हायर देन द MSP प्राइसेज। तो अभी जैसे हमें प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन पिछले 2 सालों से क्या हुआ था कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते विशेषकर केवल इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे स्पिनिंग मिल बंद थे, तो कंजम्पशन जो होना चाहिए वो कंजम्पशन काफ़ी घट गया था। अब जब डिमांड घटती है तो प्राइसेज घटती हैं, तो पिछले 2 सालों में प्राइसेज काफ़ी कम रहे, इसलिए MSP ऑपरेशंस कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी किया। हमारे कंट्री में करीब 350 से 360 लाख बेल्स, जनरली कॉटन जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है बेल्स में, एक बेल्स जो होता है 170 केजी का होता है, तो 360-350 लाख बेल्स होते हैं, उसमें से करीब 1/3 प्रोक्योरमेंट जो है वो केवल कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पिछले 2 साल में किया, 19-20 में और 20-21 में।
19-20 में करीब 125 लाख बेल्स किए थे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसका जो एजेंसी था महाराष्ट्र में, जो मैंने बताया महाराष्ट्र का मार्केटिंग फेडरेशन, और 20-21 में करीब 100 लाख बेल्स का। तो इस ढंग से करके करीब 225 लाख बेल्स पिछले दो सालों में 19-20, 20-21 जो थोड़े कोविड अफेक्टेड ईयर्स थे उसमें प्रोक्योरमेंट हुआ, जो करीब सीधे फार्मर्स के खाते में उसमें से करीब 55,000 करोड़ का की खरीदारी हुई और फार्मर्स के पास गया। लेकिन वही था कि अभी जैसे कॉटन के प्राइसेज बहुत बढ़ गए हैं, वैसी स्थिति दो साल पिछले नहीं थी। तो कॉटन के चूंकि प्राइसेज कम थे तो जो कॉटन को खरीदा तो एमएसपी के ऊपर, लेकिन जो मार्केट फोर्सेज उस समय काम कर रहे थे उसके अनुसार जो कॉटन कॉरपोरेशन ने बेचा उसके लिए कॉटन कॉरपोरेशन को लॉसेस सहने पड़े। वो प्लस कुछ लॉसेज जो पहले भी 14-15 ऑनवर्ड्स भी हुए थे वो भी कुछ कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया था। तो पुराने और 19-20 और 20-21 के प्राइमरली और कुछ पुराने जो 14-15 से लेके 18-19 तक के थे वो सब मिला के ऐसा हो रहा था कि करीब 17,408 करोड़ की लायबिलिटी थी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये प्रोक्योरमेंट करता है वो बैंक से लोन लेके करता है, तो नेचुरली उस पर फिर इंटरेस्ट भी चलते रहते हैं। तो आज कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि ये 17,408 करोड़ जो हैं वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिए जाएं, सो दैट कॉटन कॉरपोरेशन जो अपना लोन भी चुकता कर पाए पूरी तरह और अगले सीजन के लिए। अभी तो फिलहाल तो आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन करीब 25,000 करोड़ हर साल वो लोन लेने की स्थिति में भी होता है। तो जैसे ही स्थिति अगर जरूरत पड़ेगी तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकता है। लॉसेज जो कई बार होते हैं दो कारणों से, एक तो है कि जैसा मैंने बताया कि अगर हमने ज़्यादा रेट पे खरीदा और मार्केट में कम रेट पे हुआ, उसके अलावा बाकी भी जो खर्चे होते हैं गोडाउन के खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट जो आता है जो लोन लिया गया उस पे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस पे खर्चे होते हैं, तो इन सबों मिला के लॉसेज पिछले दो साल में हुए थे जिसकी भरपाई करने की का आज कैबिनेट में डिसीजन लिया गया। तो ये तो पहला डिसीजन था जहाँ तक कि एमएसपी लॉसेस जो प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन को जो सीसीआई को हुआ। दूसरा फैसला था, जो दूसरा हमारा कैश क्रॉप होता है वो होता है जूट। जूट भी एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है और जूट इंडस्ट्री भी काफ़ी अपना एक महत्व है। और जूट जो वैसे तो ज़्यादातर जूट जो है वो करीब 70% के आसपास जूट तो केवल वेस्ट बंगाल में होता है, प्राइमरली जो है वो जूट वेस्ट बंगाल में ग्रो किया जाता है। लेकिन बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्रा, तेलंगाना ऐसे कुछ और स्टेट्स हैं जिसमें भी जूट उगाए जाते हैं। करीब यहाँ भी 40 लाख फार्मर्स जो हैं वो जूट ग्रो करते हैं। अब ये नहीं है कि ये 100% अपना सब कुछ केवल जूट ग्रो करते हैं, जूट एक क्रॉप के हिसाब से ग्रो करते हैं करीब 60 लाख लोग, और करीब 3.7 लाख लोग जो हैं वो जूट मिल्स में काम करते हैं। तो इनकी जीविका जो है वो काफ़ी हद तक जूट पे निर्भर करती है। अब ऐसा है कि आपको जैसे पता होगा कि 1987 में एक जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट आया था। उसका मेन पर्पस ये था कि एक मार्केट, एश्योर्ड मार्केट देने को जूट मिल्स को, एंड हु इन टर्न वुड बेसिकली जो जूट ग्रोअर्स हैं उनसे एक अच्छे प्राइस पे कर पाएँ। तो इसके लिए एक रिजर्वेशन ऑर्डर किया गया था। तो आज यही डिसीजन हुआ कि जो, और एक ये भी बता दें कि जो जूट जितना भी प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट में जूट जितना भी आता है मार्केट में, वो जो जूट मिल खरीदते हैं उसमें से करीब करीब 75% जो रॉ जूट है वो केवल सैकिंग के लिए यूज़ होता है, बैग बनाने के लिए, गनी बैग बनाने के लिए, जिसमें से करीब 90% गनी बैग जो है वो हमारे प्रोक्योरमेंट के लिए आते हैं। तो प्राइमरली जो जूट मिल्स हैं, कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं, जूट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कुछ बनाने लगे हैं, कुछ जैसे शॉपिंग बैग वैग भी बनाने लगे हैं, बट प्राइमरी जो बनाते हैं वो बेसिकली सैकिंग बैग्स बनाते हैं, जिस सैकिंग बैग को प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट प्रोक्योरिंग एजेंसी, वो लोग उसको लेते हैं। करीब 8,000 करोड़ के आसपास का गनी बैग खरीदा जाता है। तो अब यही है कि आज जो डिसीजन लिया गया उसके अनुसार ये डिसीजन लिया गया है कि 100% फूड ग्रेन्स जो FCI या स्टेट प्रोक्योर करते हैं वो 100% फूड ग्रेन की पैकिंग जो है वो जूट बैग में होगी। तो मेनली बेसिकली दो चीज़ों की प्रोक्योरमेंट होती है जैसा कि आप जानते हैं, राइस एंड व्हीट की,
तो राइस एंड व्हीट जो भी प्रोक्योरमेंट होगा उसकी पैकिंग जो है वो गनी बैग में होगी। दो कारणों से, एक होता है कि गनी बैग में विशेषकर चावल जो है उसको गनी बैग में उसकी क्वालिटी ठीक रहती है, अदरवाइज उसका डिस्कलर हो जाता है। बट प्राइमरली वो इसलिए कि किसी को, जैसे आज के दिन में भी जूट की कीमत भी जो है वो बड़ी अच्छी है मार्केट में, फार्मर्स आर गेटिंग वेरी गुड प्राइस ऑफ जूट। अभी भी वहाँ भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफ़ी ऊपर रूल कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज उनके लिए एश्योर्ड एक मार्केट है जो जो जूट मिल को बेच पाते हैं, और जूट मिल के लिए एश्योर्ड मार्केट ये है कि गम से बैग खरीद कर लेती है। तो 100% फूड ग्रेन्स प्रोक्योर होगा, जो जो प्रोक्योरमेंट होगी वो जूट बैग में पैकिंग होगी, और 20% जो शुगर की पैकिंग भी जो है वो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि 20% शुगर की पैकिंग भी जूट में होगी। इसके अलावा जो अभी क्या ऐसा हुआ है कि पहले तो हम जितने हम बनाते थे गनी बैग उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा हुआ है कि प्रोक्योरमेंट बढ़ते जा रहे हैं हर साल। 5 साल पहले जो प्रोक्योरमेंट होता था वो 5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन उस हिसाब से गनी बैग्स के प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ है। तो इसलिए ये भी रखा गया है कि भाई कल को ये ना हो कि गनी बैग के अभाव में आप फूड ग्रेन्स लाई कर रहे हो कहीं पे और पैकिंग ना हो पाए। तो कैबिनेट ने ये भी डिसीजन लिया है कि 30%, वैसे तो 100% के लिए निर्णय लिया गया है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो 30% उसमें से रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि भाई 30% आप जो हैं वो HDPE बैग या PP बैग जो होता है उसमें भी पैक कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट्स जो हैं वो पुराने सेकेंड हैंड गनी बैग में भी पैकिंग करते हैं। तो ये दो मेजर डिसीजंस थे जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश, डू आई? आई डोंट थिंक परहैप्स इज रिक्वायर्ड। वो जिसको पूछना होगा पूछ लेगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी टिक टैक करेंगे टीवी वाले उसको करना उसमें कर लेंगे। यस प्लीज, एनी क्वेश्चंस? अरे सी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट सब्सिडी, सी व्हाट, नो, वी आर गिविंग देम एन अश्योर्ड मार्केट दैट यस यू विल रिक्वायर द रॉ जूट, यू विल प्रोड्यूस द गनी बैग, दैट गनी बैग वी विल बाई, and that rate is basically is a administered rate in a way that whatever raw jute price plus there is something called a tariff commission fixes formula that what should be add-ons on those raw jute price, and accordingly a price is determined and at which we purchase. Actually, of course, that will give a certain amount of return on investment also, otherwise how will the jute mills function? But what, even if you think that we are supporting jute mill now, today it's higher than MSP. The moment jute mills suppose stop buying, we stop buying from the jute mills stop buying from the farmers, then what will happen? The price will crash. If the price will go below MSP, then I will have to, or my, we have like Cotton Corporation of India, we have something called a Jute Corporation of India. Now Jute Corporation of India will buy that. If the Jute Corporation of India will sell at a rate which is lower than the MSP, then they will also incur losses. Not only the price difference, but transportation, inventory, interest, everything. In that case, the way we have we had to subsidize Cotton Corporation of India, then you will have to subsidize the JCI actually. So I think it's a better way. It's another matter that we are also trying, asking these jute mills and all to modernize and diversify into a different other products, so that their total dependence only on supply of jute bags to the procuring agency goes away. देखिए, अभी why do you want, basically see, it is not that, first of all, this 8,000, even if I go for a buying HDPE bag or PP bag, it is not that HDPE PP bag would be available free or something. And so one, from the quality point of view, you would have seen that mostly people store at least the rice is always stored in gunny bags actually, because uska discoloring nahi hoti hai, uski quality theek rehti hai. आई भवानी जगदर म्हणजे 24 तास.